नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। चार राज्यों में कांपी धरती। सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर 5.4 तीव्रता का भूकंप। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भी महसूस हुए झटके। सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर सोमवार रात 8:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिकेट स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भी महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र सिक्किम के राजधानी गंगटोक से 25 किलोमीटर पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। झारखंड में फिर से लगेगा लॉकडाउन, आज हो सकता है इसका बड़ा ऐलान। 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अब तक मिली छूट और कोरोना के बढ़ते संक्रमण से संबंधित बिंदुओं पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट को रखा जाएगा। इसके बाद उस रिपोर्ट की समीक्षा होगी। इस बैठक में ही राज्य सरकार संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कोई गंभीर कदम उठा सकती है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि स्कूलों को फिर से बंद करने पर फैसला हो सकता है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस पर नजर रख रहे हैं तथा प्रतिदिन स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों से विमर्श भी कर रहे हैं। हाल के दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ने से एक बार फिर कुछ सीमाओं तक प्रतिबंध लगाने को लेकर आज समीक्षा हो सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमा के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में कुछ सीमाओं तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देश का भी इंतजार कर रही है। झारखंड में वैक्सीनेशन पर लग सकता है ब्रेक। वैक्सीन के अभाव में कोवैक्सीन की पहली डोज पर रोक। आज सेंटर से नहीं मिली वैक्सीन तो हो जाएगी आउट ऑफ स्टॉक। एक तरफ जहां झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार थम सकती है। कारण है वैक्सीन की किल्लत। राज्य को केंद्र से वैक्सीन तय समय और डिमांड के मुताबिक नहीं मिल रही है। नतीजा अब झारखंड के स्टॉक में मात्र 2.5 से 3 लाख ही वैक्सीन के डोज बच गए हैं। अगर केंद्र की तरफ से मंगलवार यानी आज वैक्सीन के डोज नहीं भेजे गए तब यहां वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी और वैक्सीनेशन पर रोक लग जाएगी। वहीं पर कोवैक्सीन के पहले डोज पर पहले ही ब्रेक लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कोवैक्सीन को दूसरे डोज के लिए सुरक्षित रखा गया है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची के मरवाड़ी कॉलेज में ऑफलाइन एग्जाम स्थगित। रांची में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए अब शैक्षणिक संस्थान ऑफलाइन एग्जाम से बचने लगे हैं। इस बीच मरवाड़ी कॉलेज ने यूजी और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के मिड सेम एग्जाम को स्थगित कर दिया है। नोटिस जारी कर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इसकी सूचना दे दी गई है। यह परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में होगी। इसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुख्यालय को सील कर दिया गया है। 3 स्टाफ के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि BAU के मुख्यालय को सील कर दिया गया। BC ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यालय अगले 2 दिनों तक सील रहेगा। रांची के मेकॉन के सभी कर्मचारी की होगी कोरोना की जांच। मेकॉन प्रबंधन ने बिना टेस्टिंग के अपने कर्मचारियों के दफ्तर में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। अगले आदेश तक सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में काम करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से मेकॉन कॉलोनी में कैंप लगाकर यहां के कर्मचारियों की जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही यहां के कर्मियों को दफ्तर में प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल मेकॉन के 100 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित मिले हैं और मेकॉन कॉलोनी में 30 से ज्यादा घरों को सील कर दिया गया है। कोरोना के बीच होगी परीक्षा। आज से शुरू होगा इंटर और मैट्रिक का प्रैक्टिकल। जैक ने पहली बार इस परीक्षा की अवधि 21 दिन तक बढ़ाया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मंगलवार से मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू हो रही है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष परीक्षा संचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। इस बार 7 दिन की जगह 21 दिन तक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। जैक के अधिकारियों के मुताबिक इस बात पर ख्याल रखा गया है कि एक दिन एक स्कूल में अधिकतम 15 बच्चे ही परीक्षा में शामिल हों। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार है जब प्रैक्टिकल परीक्षा की अवधि 21 दिन तक की गई है। इस दौरान सभी स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है।
झारखंड में 4 मई से शुरू होगी बोर्ड की मुख्य परीक्षा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। ये दो सिटिंग यानी दो पाली में होगी जो 21 मई तक चलेगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी जबकि दूसरी में इंटरमीडिएट की। कोरोना संक्रमण और बच्चों की पढ़ाई पर असर को देखते हुए सिलेबस में भी कटौती की जा चुकी है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 8 अप्रैल से मौसम में होगा बदलाव। कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का भी है आसार। झारखंड के मौसम में 2 दिन के बाद एक बार फिर से बदलाव होगा। राज्य के उत्तर, पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भाग में कहीं कहीं पर आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होगा। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव होने एवं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 8 और 9 अप्रैल को राज्य के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में मेघ गर्जन एवं हल्की बारिश के आसार हैं। 11 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी भाग में फिर ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 24 घंटे तक दिन के तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद आने वाले 2 दिन से 3 दिन के बीच तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के दौर में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे स्कूली बच्चे, झारखंड DGF बन रहा है मददगार। राज्य के 45,000 सरकारी स्कूल में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे करीब 75 लाख बच्चों को समय की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य शुरू हो गया। झारखंड डीजी स्कूल मोबाइल एप्लीकेशन में अब तक 7 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड के डीजी स्कूल ऐप का लाभ यूडाइस में रजिस्टर्ड सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को मिल रहा है। पहली से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई महामारी के दौर में प्रभावित नहीं होगी और उनके सपनों को साकार करने में झारखंड डीजी ऐप एक सारथी की भूमिका निभाएगा। झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी। बिहार की तर्ज पर अब सरकारी विभागों में होगी तैनाती। झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है। सरकारी विभागों में नियुक्ति का आश्वासन इन्हें दे दिया गया है। गृह सचिव के आश्वासन के बाद इन्हें जेल भरो आंदोलन आज स्थगित कर दिया, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन चाहते हैं। इसीलिए लिखित आश्वासन मिलने तक वे धरना स्थल पर डटे रहेंगे। खबर है झारखंड के धनबाद से। रूबरू मिस इंडिया एलिट फैशन शो की फाइनलिस्ट बनी धनबाद की सोनालिका। दिल्ली में आयोजित होने वाले फैशन शो रूबरू मिस इंडिया एलिट के फाइनल में धनबाद की सोनालिका सिन्हा ने जगह बनाई। 17 अप्रैल को इसका फाइनल शो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंदुआ के रहने वाले मनोज कुमार सिन्हा और किरण सिन्हा की बेटी सोनालिका ने फैशन शो की शुरुआत 2018 में धनबाद से की थी। मिसेज इंडिया फोटोजेनिक निधि जायसवाल की ओर से आयोजित मिस्टर एंड मिस झारखंड फैशन शो में सोनालिका ने टॉप 6 में जगह बनाई थी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि सोनालिका ने 2020 में आई ग्लैम मिस वेस्ट बंगाल का टाइटल भी जीता है। हाल ही में सोनालिका का एक म्यूजिक वीडियो रांची वाली छोरी रिलीज हुआ जो काफी पसंद किया जा रहा है। कोरोना से देश में बिगड़े हालात, फिर मुख्यमंत्री से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों ने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। कई राज्यों में हालात काफी खराब हो चुके हैं। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री के होने वाली यह दूसरी बैठक होगी। यह बैठक कोरोना के पिछले 24 घंटों में सामने आए 1 लाख से ज्यादा मामलों के बाद होने की वजह से काफी अहम हो गई। पिछले एक दिन में देश में 1,35,058 नए कोरोना के केस मिले हैं, जिसके बाद सरकार की चिंता और अधिक बढ़ गई। अभी तक भारत में संक्रमण की बीमारी के शुरू होने के बाद से यह आंकड़ा सबसे अधिक है। 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर देश में 12,05,79,067 हो गई है। बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की थी और महामारी के सतत प्रबंधन और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर बल दिया था।
मधुपुर उपचुनाव में 10 अप्रैल से प्रचार शुरू करेगा राजद, बनाई 12 सदस्यीय टीम। मधुपुर उपचुनाव में 10 अप्रैल से राष्ट्रीय जनता दल अपने दल बल के साथ महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के प्रचार प्रसार में उतरेगा। इसके लिए प्रदेश राजद के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक वरिष्ठ नेताओं की 12 सदस्यीय टीम तैयार की गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्राचार कर कैंप में शामिल होने वाली पार्टी के नेताओं की सूची सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि मधुपुर उपचुनाव के लिए 11 अप्रैल को मधुपुर में देवघर राजद जिला कार्यकारिणी एवं प्रखंड अधीक्षकों की बैठक होगी। बैठक में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले कुल 87 पंचायतों के 487 मतदान केंद्रों पर प्रचार के लिए राजद कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। झारखंड के खुट्टी में किसान महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत, किसानों को करेंगे एकजुट। राकेश टिकैत 18 अप्रैल को जमशेदपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 19 अप्रैल को रांची में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक करेंगे। इसमें 3 कृषि कानून आंदोलन को और तेज करने के लिए व्यापक मोर्चे के गठन पर विमर्श करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बाला ने बताया, किसान महापंचायत से जुड़े झारखंड प्रदेश के कई संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें किसानों के हितों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि किसान मजदूर आंदोलन एकजुटता मंच 19 अप्रैल को खुट्टी में किसान पंचायत का आयोजन करेगा। इसमें राकेश टिकैत के अलावा किसान नेता दर्शन पाल सिंह, गुमनाम सिंह चंदुनी, बलवीर सिंह जराजवाला और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसान नेता भी शामिल होंगे। किसान महापंचायत में झारखंड प्रदेश के विभिन्न जन संगठन, सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठन हिस्सा लेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।